सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ईद मुबारक एट लॉकडाउन स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस अगर आप सब भी इस तरह की एडिटिंग को करना चाहते हो तो आज के वीडियो में कोई भी स्टेप को मिस मत करना। सो अभी बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर आप लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सो अभी बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अभी पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को ले आना होगा आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। और पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपली से ले जाना होगा यहाँ से ऐड फोटो के ऑप्शन के अंदर। और सबसे पहले गाइस आप लोगों को ऐड करना होगा अपने मॉडल को। ओके तो गाइस मैंने अपने मॉडल को ऐड कर लिया एंड इसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी पहले ही इरेज करके रखा हुआ है। सो सिंपली से अगर आप लोगों को सीखना हो कि इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं तो आप लोग इजीली ये वाली वीडियो देख लेना, तो आप लोग सिंपली से सीख जाओगे कि इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। तो अभी गाइस हम लोगों ने मॉडल को ऐड कर लिया है एंड इसको हम लोग करते हैं डन। और गाइस अभी डन करने के बाद फिर से जाना होगा आप लोगों को ऐड फोटो के ऑप्शन के अंदर। और गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों को ये मतलब स्टार के पीएनजी को आप लोगों को ऐड करना होगा। एंड गाइस इसे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोगों को रखना होगा स्क्रीन, जिससे कि ये मतलब ब्लैक ब्लैक आइए साइड में हो जाए शाम लग हट जाए। तो अभी इनका कलर भी चेंज करना होगा, तो आप लोग कलर जैसे देख ही सकते हो अलग है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को इफेक्ट स्क्रिप्ट में जाने के बाद लास्ट में कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग इसको सिलेक्ट करके जो फोर्थ वाला ऑप्शन होता है कलराइज का, इसको आप लोग एक बार सिलेक्ट कर लेना। ओके तो इसको सिलेक्ट करके आप लोग इसको डन कर देना, तो इनका कलर चेंज हो जाएगा इजीली। तो इनका कलर चेंज करने के बाद इसको कर देते हैं डन और फिर से एक बार और चलते हैं ऐड फोटो के ऑप्शन के अंदर। और अब के बार गाइस आप लोगों को दो पीएनजी को ऐड करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पीएनजी को ऐड करना होगा। सो इसको आप लोग बड़ा करके कुछ इस टाइप से लगा देना एंड वही प्रोसेस दोबारा से, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करना होगा और इफेक्ट्स के ऑप्शन में जा करके इसका कलराइज में जा करके इसका कलर चेंज कर देना होगा। तो इसे कर लेने के बाद आप लोगों को डन करना है। एंड अभी आप लोगों को क्या करना है, जो ये वाला मतलब कि मून का पीएनजी है इसको आप लोग क्या करना है, साइज में छोटा करना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोगों को चेंज करना होगा। सो इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोग स्क्रीन रख लेना एंड इसके बाद एडजस्ट में जाकर के जो इसकी ह्यू है इसको आप लोग मतलब कि आप लोगों को बढ़ा कर देखता हूँ मतलब कितना। सो इसकी ह्यू को आप लोग 80 या फिर 16 के राउंड या 15 के राउंड रख लेना एंड इसको कर लेना डन। एंड जो इसकी ओपेसिटी होगी इसको आप लोग हल्का सा डाउन कर देना, तो ओपेसिटी को डाउन करने के बाद आप लोग इसको कर देना डन। तो गाइस इसे डन कर देने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो कि अपनी पिक ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आप लोगों को फिर से जाना होगा ऐड फोटो के ऑप्शन के अंदर। और अभी गाइस आप लोगों को ये दो पीएनजी को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले विग्नेट के पीएनजी को ऐड करते हैं एंड इसका विग्नेट को पीएनजी को बढ़ा करके हम लोग नीचे की साइड में लगा देते हैं। तो विग्नेट को पीएनजी को लगाने के बाद एक अलग अलग लुक आ चुका है। और अभी आप लोग ये टेक्स्ट पीएनजी है, इसे आप लोग जहाँ मर्जी चाहे लगा सकते हो, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लेना अपनी मर्जी से। तो गाइस इसे लगा देने के बाद इसको कर देना होगा आप लोगों को डन। और अभी डन करने के बाद ड्रॉ टूल के ऑप्शन के अंदर जाना है और इमेज को कर लेना होगा सेव। तो गाइस बाकी केयर नहीं करते अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फाइनली हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। और लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद गाइस इस वाली इमेज को ले आए हैं। सो अब के बार आप लोगों को लाइट के ऑप्शन के अंदर जाना होगा सबसे पहले और इसके एक्सपोजर को बढ़ा लेना होगा और जो इसका कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है आपको इसको कम कर लेना होगा आप लोगों। तो कॉन्ट्रास्ट को कम करने के बाद हाईलाइट को बढ़ा लेना, तो और इसके बाद आप लोग शेडो को कम कर लेना और शेडो को आप लोग हल्का सा कम करके इसके बाद आप लोग जो वाइट बैलेंस है आप लोगों को इसका इसको कम कर लेना और ब्लैक को भी आप लोग कम कर देना। सो इसके बाद आप लोग क्या करना है, इसके बाद टेम्परेचर के ऑप्शन के अंदर चले जाना और इसके बाद टेम्परेचर के ऑप्शन के अंदर आने के बाद इसका टेम्परेचर को हल्का सा आप लोग कम कर देना और इसके बाद आप लोग इसकी वाइब्रेशन को बढ़ा लेना। इसके बाद मिक्स के ऑप्शन में चले जाना और सेकेंड वाला कलर होगा उसको आप लोग सेचुरेशन बढ़ा कम कर लेना और लुमिनस को बढ़ा लेना। तो इसके बाद आप लोग फिफ्थ वाला मतलब जो मिल जाएगा ऑप्शन, तो फिफ्थ वाले कलर के आप लोग जाकर के इस सेचुरेशन को बढ़ा लेना एंड इसके बाद इसके जो लुमिनस होगी इसको आप लोग हल्का सा बढ़ा देना। तो इन दोनों को बढ़ाने के बाद आप लोग डन कर देना और डन करने के बाद नीचे इफेक्ट के ऑप्शन के अंदर चले जाना। तो यहाँ से आप लोग इसके क्लैरिटी को बढ़ा लेना और इसके बाद इसका विग्नेट को आप लोग कम कर लेना। तो विग्नेट आप लोग 48 या 15 के अराउंड कम कर लेना।
तो इसके बाद आप लोग ट्रायंगल के ऑप्शन के अंदर चले जाना एंड आप लोग इसकी शार्पनेस को बढ़ा लेना करीब 38 के अराउंड। एंड इसके बाद आप लोग इसकी मास्किंग का जो इसको आप लोग बढ़ा लेना करीब 15 के अराउंड। तो 15 या 16 के अराउंड बढ़ाने के बाद आप लोग देख सकते हो कितनी गजब एडिट हो चुकी हमारी पिक बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।